हेयर कंडीशनर, हेयर रिमूवल, हेयर टॉनिक। यार यो लाल वानी के दिमाग के पेस तो ढीले नहीं हो गए भाई? जब हेयर रिमूव कर देंगे तो टॉनिक कहां पे लगावेंगे? हेलो बड़े साईं भूपेश, लाल वानी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो जी। गिफ्ट हैम्पर मिला? हाँ जी वही, आपका डब्बा खोल कर देख रहा हूँ मैं। बड़े साईं, बक्सा भले ही खोलना लेकिन हेयर टॉनिक का बोतल मत खोलना। क्यों जी, क्यों नहीं खोलूं? उसमें कि बम लगा हुआ है, तो खोलते ही ऑफिस उड़ जाएगा। ऑफिस नहीं साईं, तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे। गलती से बोतल पर गलत लेवल लगा दिया है। के? हमारे स्टाफ ने हेयर रिमूवर पर हेयर टॉनिक का लेबल लगा दिया है और हेयर टॉनिक पर हेयर रिमूवर का, क्या समझे? यही कि थारे स्टाफ में ना अनपढ़ भरे हुए से। बड़ी तुम तो पढ़ा लिखा है नहीं, हेयर टॉनिक यूज मत करना वरना तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे। और साई मैं एक दो दिन में दूसरी बोतल भिजवाता हूँ। ठीक है जी, ये जो असली हेयर टॉनिक है ना इसे मैं डब्बे में रख देता हूँ, और ये जो असली हेयर रिमूवर है ना इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अगर गलती से भी किसी ने इस्तेमाल कर लिया ना तो उसकी फसल उजड़ जाएगी। मेरे होते हुए ऑफिस में चोरी? क्या चुरा रहा बे? क्या चुरा रहा है? अरे जीजा मैं कुछ नहीं चुरा रहा, मैं चोर नहीं हूँ। अबे हर चोर यही पीपनी बजाता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। निकाल, निकाल, क्या रख रहा था? निकाल, क्या चुराया तुमने? निकाल। हेयर टॉनिक चुरा रहा था है? लालवानी जी ने हमारे एड से खुश होके सारे स्टाफ के लिए गिफ्ट भेजे और तू अकेला हाथ साफ कर रहा था इन पे है? चोर साले, चिड़ते बनवाए बेचारा मुठाई गिरा। यो जीजा हमारी हर बात का उल्टा ही क्यों करे है? इब तो इसे उल्टा करना ही पड़ेगा। जीजा मार से ना गलती होगी, मारी ना नेट डोल गई थी, लेकिन जो टॉनिक ना बड़े काम का है, इसे बालों में लगाओ ना तो बाल एकदम हीरो के जैसे हो जावे। ला मन्ने दे दे। हट, लेमन जूस ले, कांटो जैसे बाल है तेरे। किसके जैसे? कांटो जैसे बाल है, कांटो कांटो। फिर ठीक से, फिर ठीक से इसको अपने बालों पे लगा के टॉनिक वेस्ट करना चाह रहा था तू? इसको मैं लगाऊंगा और ये सारे बाकी के गिफ्ट पैक करो, जाके छेदी को दे दे और किसी से कुछ मत कहना। अगर किसी को कुछ बताया ना तो मैं मैडम को बोल दूंगा। क्या बोलते हैं कि आप मुझे मिस्टर साजी? नहीं, मैं कह रहा था कि मैं मैडम को बोल दूंगा कि मैंने शर्मा एंड कंपनी के शर्मा जी के पेन पे जिंगल लिख दिया। अब आई मीन उनके पेन के प्रोडक्ट पे मैंने जिंगल लिख दिया है। नहीं है। वो मैंने पेन से पेपर पे जिंगल लिखा था, वो पेपर घर पे रह गया। आप क्यों आए ऑफिस में मिस्टर साजन? आप भी घर पे ही रह जाते ना फिर। छोटी मैडम गलती से आ गया, अब कल से नहीं आऊंगा। आई मीन मैं गलती से घर पे रह गया, अब कल मैं याद से ले आऊंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा जिंगल, बहुत अच्छा लिख गया है मैडम वो। ये क्या है आपके हाथ में? ये अपना हेयर टॉनिक। व्हाई डू यू नीड अ हेयर टॉनिक मिस्टर साजन? आपके बाल तो बड़े सॉफ्ट और सिल्की हैं। आप तो चल के आते तो कितने बाउंस करते हैं आपके बाल, है लड़कियों को अच्छे लगते हैं ऐसे बाल मिस्टर साजन। दे लाइक इट। सच मैडम? यस मिस्टर साजन। इनफैक्ट मेरा दिल करता है मिस्टर साजन कि आपकी जुल्फों के साथ मैं बस खेलती रहूं। तो खेलिए ना मैडम, इन्हें आप अपनी ही जुल्फें समझिए। मिस्टर साजन, ये क्या कर रहे हैं आप? मच्छर उड़ा रहा था मैडम, मच्छर। कितने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं आप मिस्टर साजन, अपने काम पे ध्यान लगाइए।
लगाऊंगा मैडम, लगाऊंगा, लेकिन पहले ये हेयर टॉनिक लगाऊंगा और उसके बाद मेरी जुल्फे कयामत ढाएंगी, कयामत। दीजा, नहाने जा रहा? फिल्म देखने जा रहा हूँ, आजा साथ में बैठ के देखते हैं, सीटियां बजाएंगे साथ में। नहीं जीजा, मारे को ना ड्रामनी फिल्म नहीं देखनी। जीजा, हेयर टॉनिक? बालों में लगावेगा? नहीं, बर्फ के गोले पे डाल के चूसूंगा। तू सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है मेरा, तू जा जाके लेमन चूस ले। अब मेरे बाल होंगे एकदम सिल्की सिल्की शाइनी शाइनी। मैडम खुद को रोक नहीं पाएंगी, जैसे ही मेरे बालों को देखेंगी ना, ऐसे हाथ डालेंगी और ये क्या है बे? Oh, no. Oh, no. ये क्या हो रहा है बे? अबे ये तो बाल है। ये तो मेरे बाल है। झाक रहा है? झाक नहीं रहा, कान लगा के सुन रहा हूँ। जीजा अंदर नहा रहा है ना, लेकिन नहाने की आवाज नहीं आ रही। बनने तो लग रहा है कहीं जीजा बाल्टी में डूब के मर तो नहीं गया। बेकार की बातें मत सोचा कर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका पैर साबुन पे फिसल गया हो और सर फर्श पे लग करके फट गया हो। लेकिन संजू नहाने में इतनी देर क्यों लगा रहे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, मन ने भी जीजा की चिंता हो रही है। Let's go.